अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं आपके सामने, मेरी आपने हेडलाइन पढ़ ली होगी, उम्र 8 हो या 18, नाम आसिफा हो या संस्कृति, रेप की सजा, रेपिस्टों की सजा, सिर्फ और सिर्फ फांसी, सिर्फ और सिर्फ फांसी। ना हमें उम्र देखनी है, ना हमें नाम देखना है, ना हमें जाति देखना है, ना हमें धर्म देखना है। अगर किसी बहन बेटी के साथ में रेप होता है, किसी बिटिया के साथ में रेप होता है, किसी के भी साथ में अगर ये घिनौना कृत्य करा जाता है, ये घिनौना काम किया जाता है, तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास मोदी जी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन सभी के खिलाफ तुरंत तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट को किया जाए और तुरंत इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इन्हें जेल में बैठा करके, इन्हें जेल के अंदर रख करके, दामाद बना करके ना रखा जाए, उनके खिलाफ जल्द से जल्द, उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट को ला करके उन्हें फांसी की सजा दी जाए तुरंत। ये मेरी मांग है, ये मेरे देशवासियों की मांग है। और दोस्तों, फिर मैं आप सभी भाइयों को कहना चाहूंगा कि ना नाम से फर्क पड़ता है, ना जात और जाति धर्म से फर्क पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है तो उस चीज से फर्क पड़ता है कि हमारी बहन बेटी के साथ में ये घिनौना काम जो किया जा रहा है, इस घिनौने काम को किस तरीके से जल्द हम सभी भाइयों को, हम सभी भाई बहनों को मिल करके आवाज उठाएं और इसका किस तरीके से बचाव किया जाए। दोस्तों, किस तरीके से इसका बचाव किया जाए। मैं बड़ा परेशान, बड़ा ही परेशान हूं ये इतनी घिनौनी चीजें देख करके। जो अभी कुछ समय पहले, संस्कृति से पहले, जो लखनऊ की हमारी संस्कृति बलिया की रागनी दुबे, और जो राजस्थान बाड़मेर में ऐसा ही एक घिनौना काम, राजस्थान बाड़मेर वाली लड़की को एक मुस्लिम शख्स है जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, नाम उसका नहीं मैं जानता हूं, बट ये पता चला है कि वो बाड़मेर से एक बिटिया को, जिसकी उम्र सिर्फ 8 से 9 साल की उम्र, उसको दारू पी करके नशे के हालत में उठा करके लेके जाके उसके साथ बलात्कार किया, ना कि बलात्कार किया, उसे बड़ी ही बेदर्दी से, उसको बड़ी ही बेदर्दी से पत्थरों से वार करके उसका, उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद में बाड़मेर जो लड़की है, उसकी हत्या के बाद में उसके साथ फिर से घिनौना काम किया, फिर से उसके जिस्म के साथ खेला गया, और उसके जिस्म से खेल करके फिर उसको ले जा करके, जब उसका हरामजादे का उसका मन भर गया, उसकी हबस निकल गई, तो उसने ले जा करके किसी खेत में उसकी बॉडी को फेंक दिया। और इतना घिनौना काम उसने उस बिटिया के साथ में किया। उसका नाम मेनका है, देखो हमारे प्रेम इंडियन भाई ने उसका नाम भी दिया, उस बिटिया का नाम मेनका है जो बाड़मेर से है। देखिए, उसके साथ में इतना घिनौना काम किया और पता चला है कि उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया गया है। बट जेल में बंद करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसको जेल में बंद कर देने से कुछ नहीं होगा, उसको जल्द से जल्द, मेरी अपील है मेरे पूरे भारतवासियों से, अपील है मेरे सभी भाइयों से, अपील है मेरे यूथ से, अपील है मेरे यूथ विंगों से, अपील है कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन ले, रोड पे उतर करके आए, इनके खिलाफ एक्शन ये ले कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक, जो 1 महीने का वक्त दे करके उसको फांसी की सजा चढ़ा दी जाए, और अगर हुकूमत के बस की बात नहीं है तो उसको पब्लिक के बीच में दे दिया जाए, उसको फांसी की सजा हम देंगे, उसको घिनौनी उसकी हत्या हम करेंगे, उसको हम मार देंगे। ये हमारी बाड़मेर की
जो हमारे बाड़मेर में हमारी बहन हमारी बेटी मेनका उसके साथ में इतना घिनौना काम इस शख्स ने किया, ये किसी जाति से संबंध नहीं है इस नीच का, किसी भी जाति से संबंध नहीं है इसका, ये हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, जो नारी का सम्मान नहीं करना जानते हैं, जो नारी के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो अपने हबस में एक बच्ची को शिकार बनाते हैं, ऐसे नीच ऐसे कुत्ते को तुरंत की तुरंत फांसी की सजा दे दी जाए। उसके बाद में अभी हाल फिलहाल में मैं सभी अपने भाइयों से हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहूंगा कि मेरी इस वीडियो को इनवाइट कर दें, सभी दोस्तों को जमा कर लें, सभी भाइयों को जमा कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज हमें जरूरत है उसी आसिफा के, जिस तरीके से आसिफा के साथ गैंग रेप हुआ था, आसिफा के लिए हम सभी हिंदू मुस्लिम भाई एकजुट होकर के एक मंच पर होकर के, हम सब लोग एक मंच पे होकर के इकट्ठा हुए एकत्रित हुए थे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने कैंडल मार्च भी किया, हमने उसके खिलाफ आवाज भी उठाई, जितने भी नेता अभिनेता राजनेता जितने भी लोग सब लोग एक साथ एक मंच पे आकर के आसिफा के लिए फेवर में उसके लिए हमने एक कानून को तय कराया, कानून बनवाया, कानून बन गया। बट कानून बनना कोई हमारे लिए इज्जत की बात नहीं, कानून बनने के बाद उनको तुरंत फांसी पे चढ़ा देना हमारी इज्जत है। कानून बने कितना टाइम हो गया, आसिफा के कांड के बाद में जो कानून बना था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरीके की जो भी घटना होगी 18 साल से नीचे या 12 साल तक के, हर उसमें कई कानून को कई तरीके से बनाया गया, जो भी घटना होगी इस घटना को हम तुरंत उसको फांसी की सजा देंगे, लेकिन अभी तक किसी को फांसी की सजा दी नहीं गई है दोस्तों। आसिफा को भूल गए, जो आज संस्कृति को इस तरीके से लाचार किया, संस्कृति के ऊपर, संस्कृति मेरी बेटी 17 साल की जो एक NIT में कोर्स में पढ़ाई कर रही थी, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रही थी, उसके साथ इतना घिनौना काम किया, संस्कृति को बलात्कार करके उसके सर पे वार करके उसको एक खेत में ले जा करके फेंक दिया। ये घटना गुरुवार की है, गुरुवार के दिन संस्कृति अपने घर से लापता हुई, संस्कृति के घर वालों ने दोस्तों पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, पुलिस में रिपोर्ट देने के बाद में संस्कृति के घर वालों ने अपील की कि तुरंत मेरी बेटी का अभी फोन ऑन है, इसको तुरंत मेरी बेटी की जानकारी ली जाए, उसका फोन ट्रैक पे रखा जाए ताकि उसकी लोकेशन को पता किया जाए कि उसकी लोकेशन कहाँ है। गुरुवार को ये घटना बेटी संस्कृति के साथ में हुई, गुरुवार को उन्होंने रिपोर्ट की, लेकिन जो लाचार जो हुकूमत में बैठे और जो पुलिस वालों ने इसमें लाचारी जो लापरवाही की, उस लापरवाही की वजह से हमारे एक और देश में एक और घटना संस्कृति की घटी, लापरवाही की वजह से उसको ट्रेस नहीं किया गया। फ्राइडे के दिन पता चला कि किसी खेत में संस्कृति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको सुनसान जगह पर ले जा करके उसको उसके साथ पहले बलात्कार किया, उसको फिर उसके सिर पे वार किया, कोई भारी चीज से वार किया और उसको बुरी तरीके से मार दिया गया। और अभी तक आज फिर से शायद वेडनेसडे है, आज एक हफ्ता होता चला गया है, अभी तक संस्कृति के कातिलों को पकड़ा नहीं गया है, संस्कृति के कातिलों को पकड़ा नहीं गया है, अभी तक उनके घर वालों को कोई ऐसा इंसाफ नहीं दिलाया गया, कोई ऐसी इंसाफ की बातें उन तक नहीं पहुंचाई गई है, अभी तक वो बेटी संस्कृति के कातिल रेपिस्ट जो खुलेआम घूम रहे हैं अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आखिर क्यों? संस्कृति की बहन ने मीडिया में आकर के अपनी बातें रखी, अपने जवान से उस बिटिया ने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं पढ़ना नहीं चाहती हूं, मैं नहीं पढ़ूंगी, इसी तरीके से हमारी नारी का सम्मान होगा, इसी तरीके से दुख पहुंचाया जाएगा। किस तरीके से उस बेटी का मन टूटा, उस बेटी का पढ़ने का हौसला टूट गया, किस तरीके से, कोई बता सकता है? मेरा सवाल है आप सभी भाइयों से, जो ये घिनौना काम करते हैं आखिर उनको क्या मिलता है? अपनी हबस 15 से 10 मिनट की हबस को पूरी कर करके तुम लोग देश के अंदर दंगा फसाद करवाने की कोशिश कर रहे हो। हबस का शिकार संस्कृति को बनाया गया, फिर से
हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको फिर से इन दरिंदों ने खत्म कर दिया। थू है आप जैसों पर, थू है आप जैसों पर, नीचो थू है आप जैसों पर। बलिया के अंदर रागनी दुबे, अभी कुछ समय पहले बलिया के अंदर बिटिया रागनी दुबे को, उसको भी इसी तरीके से मार दिया गया, अगवा करके उसके साथ भी इसी तरीके का हसर किया गया। फिर हमारी एक बेटी जिसको स्कूल में जहर दे करके मार दिया गया, फिर से संस्कृति, आने वाले टाइम में मोनिका, आने वाली टाइम में शबनम, आने वाली टाइम में कितनों के साथ ये हसर ये काम करोगे। सॉरी दोस्तों, मेरे पास एक कॉल आ गई थी, कॉल आने की वजह से मेरा लाइव जो है डिस्कनेक्ट हो गया था, माफी चाहता हूं। मैं अपनी बात से फिर आता हूं। दोस्तों मेरे को रिक्वेस्ट नहीं दिखाई दे रही है, शो नहीं कर रही है। जैसा कि हम लोग आवाज उठाते हैं, हम हर उस इंसानियत के खिलाफ आवाज उठाते हैं जो हमारे देश में बर्बरता होती है, तो हमारे फेसबुक लाइव पे पता नहीं क्या किसने किस तरीके से कर दिया गया हम लोगों को, जो हम ना किसी को इनवाइट भेज पा रहे हैं, इनवाइट भेज पा रहे हैं बट हम ले नहीं पा रहे हैं। अभी कितने मेरे भाई मोहम्मद जलील साहब ने भी मुझे इनवाइट करने के लिए अभी इसमें लिख के भेजा, भाई यज्ञन से, भाई प्रेम, भाई इंडियन है, कितने मेरे भाई सब लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं आने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, बट मैं इसको नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मैं मुद्दे से भटक नहीं रहा हूं, मुद्दे से भटक को हट के मैं अपनी बातें साफ तौर पर आपके सामने रख देना चाहता हूं कि कब तक हम लोग इसका शिकार होते रहेंगे भाई, कब तक। जिस तरीके से अभी संस्कृति की बहन ने मीडिया में आकर के सवाल, सरकार के ऊपर सवाल उठाए कि क्यों नहीं तुम अपनी फोर्सेस को तैनात कर देते हो, क्यों नहीं जहां पर भी भाई इनवाइट किया, भाई प्रेम भाई इनवाइट किया, सारे काम मैंने कर दिए हैं, इनवाइट सबको कर दिया है, मेरे को कोई रिक्वेस्ट शो नहीं कर रही है क्योंकि कुछ गड़बड़ी के कारण, कोई बात नहीं, फिर भी मेरी ताकत आप लोग हो। अगर मीडिया इस काम को नहीं दिखा सकती तो सोशल मीडिया में आप लोग बैठे हुए हैं, मेरी ताकत, मेरी आवाज प्रधानमंत्री के पास पहुंचाने के लिए आप लोग हैं। आप लोग शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इनवाइट करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें ताकि लोग देखें। और फिर से जिस तरीके से आसिफा के लिए हमारे भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मंच पर खड़े हो गए थे, आज हमें जरूरत है अपनी बहन रागनी दुबे के लिए, अपनी बहन संस्कृति के लिए, हमारी बहन सपना जो कि राजस्थान बाड़मेर में है, हम सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। फिर से मिसाल जला दो, फिर से वो मोमबत्तियां लेके निकलो, फिर से वो जज्बा लेके निकलो ताकि हम हुकूमत को हिला के रख सकें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द अपना एक कानून बनवा सकें जिसमें सिर्फ एक महीने के अंदर इन जैसे नीच थू है तुम लोगों पे, थू मैं थू करता हूं, इन जैसे हरामियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। हम किस तरीके से आज फंसते चले जा रहे हैं। अभी देखो आसिफा कांड किया, मुसलमानों के, मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने की कोशिश की गई, मुस्लिम समाज के लोगों को ठेस पहुंचाई, उस वक्त मुस्लिम समाज के लोगों को परेशान किया गया। आज रागनी दुबे, आज संस्कृति और मेरी बहन सपना जो बाड़मेर में, किस तरीके से हिंदू लोगों की आस्था को, हिंदू लोगों को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये कब तक राजनीति इस तरीके की होती चली जाएगी? हिंदू मुसलमानों को चूतिया समझ कर रखा है, माफी चाहता हूं मैं, मेरे जबान से ऐसे वर्ड निकल रहे, हमारी जनता को आखिर समझ के क्या रखा हुआ है? हम इसी तरीके से हिंदू मुसलमानों में फंस के रह जाएंगे, इसी तरीके से तुम्हारा शिकार हम होते चले जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम नूरबानो आपा, मेरी बहन नूरबानो आपा में से जुड़ गई है, आपा मैं रिक्वेस्ट को ले नहीं पा रहा हूं, नहीं तो आप लोगों को लेता, आप लोगों का वर्क दिखाता मैं लोगों के बीच में कि आप लोग क्या वर्क कर रहे हैं। नूरबानो आपा किस तरीके से फिर से मेनका नाम है, मेनका ननिहाल नाम था मेरी बहन का जो बाड़मेर से है, मुझे राजस्थान से मेरे भाई जो मेरी टीम के मेरे लोग जुड़े हुए हैं वो मुझे देखो तुरंत अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तुरंत मेरे को इन्फॉर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं पूरी बातें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किस तरीके से एक दूसरे को हिंदू और मुसलमानों को शिकार बना करके तुम अपनी गद्दियों को सलामत रखना चाहते हो, ऐसा कतई नहीं होने देंगे। आज मेरे देश की जनता, मेरी यूथ आज समझ चुकी है, खड़ी हो गई है,
और उनको सबको पता चल गया है कि अब आने वाले वक्त में हमें 19 में क्या कर देना है, 19 में क्या कर दिखाना है, ये हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हाथ जोड़ के मैं अपने सभी भाइयों से, सभी बहनों से, मेरे हिंदुस्तान के सभी नागरिकों से मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरी बहन संस्कृति के लिए आवाज उठाएं, मेरी और जितनी बहनें हैं, रागनी दुबे, मेरी मोनिका, मेरी जितनी बहनें हैं जो इसका शिकार हो रही हैं, इन जैसे दरिंदों को पकड़ो, इन जैसे दरिंदों के खिलाफ एक्शन लेने का काम करो, एक मंच पे आ जाओ, इनके खिलाफ आज आप लोगों को जागना होगा, जागरूक होना होगा। प्रेम भाई इंडियन आप लाइव आना चाहते हैं, बट क्या करूं, मजबूरी है, ऐसा खेल खेला गया है हम लोगों से। अभी जो हमारी टीम में जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं, जो हम वर्क कर रहे हैं, जलील भाई हैं और जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं, प्रेम भाई इंडियन, यज्ञन शर्मा, तकरीबन सभी के लाइव को खराब कर दिया गया है। सभी के लाइव जो नहीं ले पा रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ी कर दी गई है। तो मैं अपने मुद्दे से ना भटक करके, वालेकुम अस्सलाम भाईजान, मैं अपने मुद्दे से ना भटक करके आप लोगों को ये सूचित करना चाहता हूं कि आप अपने घर से निकलें, अपने घरों से निकलें। हमारी बहन बेटियों को कब तक इस तरीके से लाचार होता देखते रहेंगे, हमारी बहन बेटियां कब तक इन दरिंदों का शिकार बनती रहेंगी, हमारी बहन बेटियां कब तक रेपिस्टों का शिकार बनती रहेंगी। अपने घर से निकलें, अपने घरों से निकलें, रैलियां निकालें, अपने भाइयों को एकत्रित करें, अपने दोस्तों को एकत्रित करें, लोगों को अवेयर करें, लोगों को इन जैसे हरामों, इन जैसे कमीनों के खिलाफ आने की बात रखें। निकलें, निकलें जल्द से जल्द। जलील भाई आप मेरे को कॉल कर रहे हैं, मैं जिस लाइव से, जिस फोन से लाइव हूं उसी फोन से मैं फोन करके बात कर पाऊंगा, इसीलिए मैं नहीं कॉल कर पा रहा हूं आपको। सो जो भी आपकी बात हो जलील भाई आप कमेंट में रख दें, मेरे देश की जनता भी देखें, माफी चाहता हूं। तो दोस्तों जो अभी मेरे प्रेम भाई इंडियन ने बताया है कि पंडित परिवार बहुत दुख की घड़ी में है आज, भाई जी वो पंडित परिवार हो या वो मुस्लिम परिवार हो या वो सिख परिवार हो या वो ईसाई परिवार हो, किसी की बहन बेटी के साथ में अगर इस तरीके की घटना घटती है, वो उसी तरीके से परेशान, उसी तरीके से दिक्कत में होता है। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, मैं समझ सकता हूँ, जिस तरीके से हमने आसिफा के लिए आवाज़ उठाई थी, मैं समझ सकता हूँ आज हमें उसी तरीके से अपनी बहन संस्कृति के लिए बाहर निकलना है। दोस्तों रोड पे आ जाओ, दोस्तों आप लोगों की आवाज़, आप लोगों की आवाज़ ही कुछ कर सकती है। एकत्रित हो जाओ, लोगों को अवेयर करो। मैं कहता हूँ जिस तरीके से आसिफा को लेकर के आप लोगों ने एक मिसाल कायम की थी, उस तरीके से आप अपनी बात को लेकर के फिर से मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी गुड़िया मोनिका, मेरी बहन, मेरी बेटी स्मृति, इन सब के लिए आप जल्द से जल्द बाहर निकल आए। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है। मेरा ये लाइव डालने का मकसद सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे लाइव आने का नहीं है, मेरा लाइव करने का मकसद आप लोगों को अवेयर करने का है, ऐसी घटनाओं से बचने और बचाने का है, और अधिक से अधिक लोगों को अवेयर करने का है कि जल्द से जल्द आप लोग, भाई मैं इनवाइट भेज रहा हूं नहीं हो पा रहा है प्लीज, और मुद्दे से मैं बार बार भटक रहा हूं, जल्द से जल्द अवेयर करने का है। लोगों को इतला कर दो, अपने अपने करीबी करीबी जितने भाई हैं सबको इतला करो, एक दिन, एक समय, एक 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 समय तय करो, हर जगह से, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, बिहार हो, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट से मेरी बहन स्मृति, मेरी बहन जितनी भी अभी पीड़िता हैं, जितने भी लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं, उन सभी के लिए आप जल्द से जल्द बाहर निकलें, जल्द से जल्द इस चीज़ को गवर्नमेंट से मंजूरी दिलाएं कि कब तुमने जो हुकूमत में, तुमने जो अभी कानून पास किया था कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दे दी जाएगी, क्या आसिफा के लोगों को फांसी की सजा दे दी? अभी तक नहीं दी गई, अभी तक नहीं दी गई। देखिए भाइयों, जो बाड़मेर में आरोपी है उसका नाम रशीद है, जो आरोपी है जिसने मारा है बाड़मेर में हमारी बहन को, उसका नाम रशीद है। तो किस तरीके से जो इस तरीके का घिनौना काम करते हैं, वो ना हिंदू हो सकता है ना मुस्लिम हो सकता है, वो हैवान है। मैं फिर से थू करता हूं ऐसे नालायक,
थू करता हूं ऐसे नालायकों पे, और विरोध करता हूं मैं, बड़ी बड़ी ही जोश से विरोध करता हूं मैं, कि इंशाअल्लाह आप सभी लोग, मेरी बहन बिटिया संस्कृति के लिए आवाज उठाएंगे, रागनी दुबे के लिए आवाज उठाएंगे, मोनिका के लिए आवाज उठाएंगे, बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेंगे, बाहर निकलेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी शेयर करेंगे, दोस्तों इनवाइट करें, शेयर करें, पहुंचा दें और बता दें कि हम आज आवाज उठा रहे हैं अपनी उस बहन संस्कृति के लिए। अपनी जितनी बहनें हमारे साथ, हमारी बहन बाड़मेर में जो एक मुस्लिम लोग, मुस्लिम राशिद ने उसके साथ बलात्कार और उसको मार दिया गया और वो आप जेल में है, हमें जेल नहीं चाहिए, हमें जेल में बंद करके उन्हें दामादों की सेवा नहीं देनी है। जेल में रखा हुआ है आसिफा कांड के, अभी तक लोगों को जो रखा था दामाद के तरीके से रखा हुआ, अभी तक फांसी दी? सवाल करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, अभी तक फांसी दी? वाड़मेर को राशिद को उठा के तुमने जेल में बंद किया, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन दूसरा लिया? अभी तक नहीं लिया। उसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाए, एक महीने के अंदर अंदर इन सभी दरिंदों को एक साथ फांसी पे चढ़ा दिया जाए, जल्द से जल्द इनको फांसी की सजा दी जाए। मजाक बना के रखा हुआ है, देश की संस्कृति को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। बहन बेटियों के ऊपर गंदी निगाहें, कुत्तों तुम्हारे आंख के अंदर जलते सरिये डाल दूंगा मैं, जलते सरिये। मेरे सामने जो इन जैसे दरिंदों को लाके धर दिया जाए, जलते सरिये उनकी आंखों में डालू, उनके पर्सनल पार्ट को काट के फेंक दू, उसके बाद उनको फांसी की सजा दू मैं। मजाक बना करके रखा हुआ है, नीच दरिंदे कुत्ते हो तुम, थू है तुम पर। अपनी बेटी के साथ करके देखो तो पता चलेगा, जिस तरीके से इन बच्चियों को तुमने उठा करके इनके साथ में इस तरीके से घिनौना काम किया है, अपनी बेटियों के साथ करके देखो तो तुमको पता चलेगा, दिल दुखेगा तुम्हारा, नालायक। अपनी बेटी दूसरे की बेटी अपनी नहीं समझते हो? वो भी किसी की कोख से निकली बेटी, आगे आने वाले वक्त में वो हमारे देश के लिए कुछ बनती, आज तुमने उसको इसी उम्र में कत्ल कर दिया। दोस्तों शेयर करते रहो, दोस्तों शेयर करते रहो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से, शेयर करते रहो। जिस तरीके से आसिफा के लिए हम लोग उतर के आए थे, उसी तरीके से आज हम अपनी संस्कृति के लिए उतर करके आएंगे, शेयर करते रहो। दोस्तों मैं सवाल करना चाहूंगा उन सभी राजनेताओं से, उन सभी राजनीति पार्टियों से जिन्होंने अपने 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 विंग्स में, अपने अपनी संस्थाओं में जो इतने बड़े बड़े अपने वर्कर, अपने कार्यकर्ता बैठाए हुए हैं, मैं NSUI से पूछना चाहूंगा, उसके अंदर कांग्रेस में जो NSUI है, उन्होंने अपने छात्र संघ की जो हेड को बैठाया हुआ है मिस्टर फिरोज खान को, अभी कुछ टाइम पहले उसकी वीडियोज, उसकी फोटोज जो वायरल हो रही है, एक नारी को वो गलत गलत मैसेजेस कर रहा है, और जो BJP की ABVP जो छात्र संघ यूनियन है, उसमें अभी अभी कर्नाटक में प्रोफेसर का मुंह काला कर करके रोड पे उतार दिया गया। ऐसे लोगों को तुमने, नारी का सम्मान, नारी की हिफाजत करने के लिए बैठाया है, अपने 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 अपनी यूनिटी का हेड बना करके बैठाया हुआ है। क्या होगा जब यही लोग इसमें लिप्त हैं, तो आम आदमी क्या करेगा? आप लोग सख्त हो जाएं, और ज्यादा से ज्यादा मैं कहना चाहूंगा, आज मैं गवर्नमेंट को अपने तरफ से कह देना चाहता हूं, सुधर जाओ, 19 आने वाला है, मान जाओ हमारे देश की जनता आज जागरूक हो गई है, काम करो, वर्क करो, जहां जहां आपको लगता है सुनसान एरिया, वहां फोर्सेस तैनात करो, पुलिस तैनात करो, लोगों को जहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहां पर तुम क्यों नहीं पुलिस वालों को तैनात करते हो, क्यों नहीं उनकी ड्यूटियां लगाते हो, पूरी पूरी रात क्यों नहीं पुलिस वालों को तैनात कर करके लोगों की सुरक्षा में भेजते हो आप लोग? किस चीज की कमी है? इतना बड़ा देश है, हमारे देश के अंदर इतनी फोर्सेस हैं, क्यों नहीं सभी फोर्सेस को इसके ऊपर लगा देने का काम करते हो? किस लिए वो अपनी किसी भी बहन बेटियों को उठा करके लेके चले जाते हैं, उनका बलात्कार कर देते हैं, मार के फेंक देते हैं, आखिर क्यों? मेरे को बार बार फोन कर रहे हैं, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे को फोन ना करें, मेरी लाइव खराब जा रही है। किस तरीके से मैं अपील करना चाहूंगा अपने सभी देखने वाले, अपने सभी भाइयों से, और जितनी मेरे वीडियो लोग देखें, आज
वो लोग खड़े हो जाएं अपने घर से निकले, भाई एक एक आदमी अपने घर से निकल जाए, लोग खड़े हो जाएं और फास्ट ट्रैक की मांग करें कि एक महीने के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन लोगों को भारी से भारी सजा दी जाए, इन लोगों को तुरंत तुरंत फांसी की सजा दे दी जाए। और हमें आज ज़रूरत है अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने की। दोस्तों आप कहीं भी, मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, आप कहीं भी, आपको किसी भी के भी ऊपर शक हो, कोई भी बहन बेटी, कोई भी बच्ची किसी के साथ अकेले अगर जा रही, अगर आपको डाउट है, आपको शक है, तुरंत आप उसको पकड़ करके उसकी इंक्वायरी करें, आप कौन है, ये लड़की कौन है, ये बेटी कौन है, ये बच्ची कौन है, ताकि जब आप अपने गाँव, अपने देहात, अपने घरों में, अपने आस पास में जब आप इस तरीके की अवेयरनेस फैलाएंगे तो हो सकता है कि कोई भी इंसान, किसी भी बहन, किसी भी बेटी को अगर अकेले छोटी बच्ची को लेकर के बाहर निकलता है तो उसको डर पैदा हो, उसको खौफ पैदा हो कि हो सकता है मुझे देखने वाला तुरंत पकड़ करके मुझसे पूछ ले कि ये कौन है। प्लीज अपने आस पड़ोस में, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी शंका होती है, थोड़ा सा भी शक होता है, डाउट होता है किसी के भी ऊपर कि ये इस बेटी के साथ शायद गलत है, हालांकि वो उसी की बेटी उसी की बहन हो, बट आप तुरंत उसका हाथ पकड़ें, आप तुरंत उसको पकड़ें, आप उसकी इंक्वायरी करें, आप उसके बारे में पूछें, तुरंत ही उसको देखें कि ये कौन है, किस तरीके से कहां जा रहा है। और अगर कोई भी किसी भी संदिग्ध हालत में इस तरीके से पकड़ा जाता है तो आप पुलिस प्रशासन का इंतजार ना करें, एक्शन लेना आपका काम है, तुरंत उसको पकड़ें, तुरंत पुलिस कॉल करें, तुरंत प्रशासन को हिलाने का काम करें, तुरंत। भाई तेजाराम सर्वी सिरवी भाई, बिल्कुल बॉबी कटारिया साहब, मैं भाई आप लोगों को बताऊं, हमारे भाई बॉबी कटारिया हैं जो इस वक्त बहुत ही बेहतर वर्क कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बॉबी कटारिया जी मेरे भाई जलील भाई हैं, मेरे प्रेम इंडियन भाई, मेरी अज्ञान शर्मा जी, मेरी नूरबानो आपा, हमारे और भी जितने महेश बाबू जी, और भी हमारे जितने हमारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं, वो सभी बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं। और बॉबी कटारिया जी से भी मैं अपील करना चाहूँगा, अपनी इस वीडियो के जरिए मैं बॉबी कटारिया जी के पास ये वीडियो भी पहुँचाना चाहूँगा और पहुँचा दूंगा, क्योंकि बॉबी कटारिया जी भी हमसे कॉन्टैक्ट में है। बॉबी कटारिया जी आप आज एक युवा यूथ की आवाज़ है। बॉबी कटारिया जी मेरी इस वीडियो को आप अगर देख लें, अगर आप देख भी रहे हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारी टीम से मिले, हमारी टीम को मैं आपके पास भेजता हूँ, हमारी टीम के साथ में दिल्ली के अंदर एक बहुत ही बड़ी रैली निकालें, एक बहुत ही बड़ा ऐसा जुलूस निकालें जिसमें हमारी बेटी संस्कृति, हमारी बेटी रागनी दुबे, मोनिका, हमारी बहन आप आसिफा और हमारी जितनी भी बहन बेटियां, उन सभी के लिए हम एक बहुत बड़े मंच को लेकर के आएं और आवाज़ उठाएं और इस पर एक बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट कर करके जल्द से जल्द इनको सजा दिलाने का काम करें। बॉबी भाई आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, मैं आपकी तरफ से भी मैं ये वीडियो डालता हूं कि मेरे बॉबी भाई का भी साथ दें। बॉबी कटारिया जी बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे, यूथ के लिए ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं। अभी मैंने आज ही बॉबी कटारिया भाई की एक लाइव देखी थी, जो खट्टर सरकार में जो मेरी जो एक हमारी एक माता जी हैं, उनके बेटे को, उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली, किस वजह से कि उस बेटे के ऊपर कर्जा था, जो कुछ लोगों ने उसे ब्याज पे दिया था, वो ब्याज ना दे करके उसकी हत्या हो गई है। और उसके लिए खट्टर सरकार के सामने जाके मेरी एक माता है, वो सामने जाकर के खड़ी हुई और उन्होंने खट्टर सरकार को बोला, बट खट्टर सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। वो दोनों, वो मेरे पिता, वो मेरी माँ, मेरे बॉबी कटारिया भाई के पास आज उनके ऑफिस में गई हैं और बॉबी कटारिया साहब जी को उन्होंने जाकर के अपने तरफ से बताया। तो देखें बॉबी भाई को किस तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं, वो इस तरीके से देख रहे हैं कि सरकार जो वर्क नहीं करेगी वो बॉबी भाई वर्क कर देंगे। तो इसी तरीके की हमारे युवाओं की जरूरत है, इसी तरीके के हमारे युवा खड़े हो जाएं, एक शक्ति बन करके आएं, जिस तरीके से आप बॉबी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, इसी तरीके से आज फिरोज खान के ऊपर विश्वास हो, हमारी यज्ञ शर्मा के ऊपर विश्वास हो, प्रेम भाई इंडियन के ऊपर विश्वास हो, मेरे जलील खान सर के ऊपर विश्वास हो, इसी तरीके से विश्वास लेकर के आए और अच्छी तरीके से हम उस अवेयर करने का काम करें और बाहर निकले और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके हम इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली निकालें। मैं इस चीज की चर्चा अपने सभी पूरे टीम भाइयों से करूंगा, मैं इस चीज की चर्चा मैं हर उन सभी लोगों से करूंगा, टीम बनाए, जल्द से जल्द इसके खिलाफ एक्शन ले, जल्द से जल्द अपने घरों से बाहर निकले दोस्तों, जल्द से जल्द।
जितना हो सकेगा मैं अवेयर करने का काम करूंगा, मैं अपने घर से अपनी बहनों को, अपनी माँ को, अपने भाइयों को निकालूंगा, मैं अपने अड़ोसी पड़ोसियों को अवेयर करूंगा, मैं अपने सभी भाइयों को अवेयर करूंगा, जल्द से जल्द इसके खिलाफ एक्शन ले ले, जो जल्द से जल्द ये लोग पकड़े जाएं, इनको फांसी की सजा दे दी जाए। बॉबी भाई अगर मेरी आप वीडियो देख रहे हैं या अगर देख लें तो इस पे एक्शन लें भाई, सभी लोग मिलके एकजुट होकर के काम करें, जल्द से जल्द काम करें। नूरबानो आपा, आप मुंबई के अंदर अवामी विकास पार्टी चलाती हैं, लोगों के हक में बात करती हैं, लोगों के हक की बातें करती हैं। नूरबानो आपा, आप भी अपने तरफ से वहां से एक बहुत बड़ी यूनिटी को लेकर के रोड पे चले आए। नूरबानो आपा जल्द से जल्द रोड पे चले आए, जल्द से जल्द इसके खिलाफ एक्शन ले और ब्लॉक कर दें, पूरी जगहों को ब्लॉक कर दें, जल्द से जल्द रोड पे चले आए। जलील भाई इसके ऊपर एक्शन लेने का काम करें आप भी, जल्द से जल्द अपनी टीम को लेकर के इसके लिए, बहुत जल्द ही अपनी एक टीम को लेकर के और दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर दें। बॉबी भाई आप भी, जितने भी मेरे भाई हैं सभी इस चीज के लिए अवेयर हो जाएं। और मेरी वीडियो लंबी होने के कारण दोस्तों, मैं आप तक जितना भी मैंने अपना मैसेज पहुंचाया, मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पहुंचा दें, हर उस शख्स तक पहुंचाएं और अपनी हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा दें, ताकि उन लोगों की आंखें खुले और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए जल्द से जल्द। और मेरी इस वीडियो को जितने मेरे भाई अभी आके जुड़े हैं मेरे से, अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस पूरी वीडियो को फिर से व्यू करके, रिव्यू करके देखें, उसको पूरी वीडियो को समझें, मेरी बातों को समझने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि आप लोग एक ताकत बन करके, एक मंच पर खड़े होकर के मेरी बहन बेटियों की रक्षा कर सकें, नारी का सम्मान कर सकें और भी हमारे मुद्दे, उन मुद्दों को हम लेकर के आगे आ सके। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब मेरे से बने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अपनी बहन संस्कृति के साथ हूँ, मैं फिरोज खान, मेरी बहन संस्कृति, मेरी बहन रागनी दुबे, मेरी बहन मोनिका, मेरी बहन आसिफा, मेरी और भी जितनी बहनें हैं, मैं उन सब के साथ हूँ, मैं उन सब के साथ बढ़ चढ़ कर काम करूँगा और मैं जमीनी हालात पे आकर के काम करूंगा और आप लोगों को एक मिसाल बन करके दिखाऊंगा। मैं वादा करता हूं, मैं अवेयर करने का काम छोड़ूंगा नहीं, मेरा जिसको जो करना है कर लेना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पहुंचा दें हर उसके कानों तक मेरी वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्र 8 की हो या 18 की, नाम आसिफा हो या स्मृति, इससे लेना देना नहीं है। कातिल तो कातिल है, रेपिस्ट तो रेपिस्ट है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। सिर्फ फांसी 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 फांसी, जाते जाते इन घिनौने लोगों को मैं थू करता हूं फिर से, थू है तुम्हारे ऊपर, गर्ग हो जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, धस जाओगे, मर जाओगे, थू करता हूं मैं तुम्हारे ऊपर, थू है तुम्हारे ऊपर। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। खून बहुत खोल रहा है मेरा, लेकिन ज्यादा लंबी वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि मूवियां देखनी लोगों को पसंद है, फिल्में देखनी पसंद है, लेकिन इस तरीके के जो अवेयर करने वाले लोग हैं, अवेयर करते हैं, उनकी वीडियोस को कोई पूरी नहीं देखता है। हाथ जोड़ के विनती है, एक फिल्म के जरिए, एक नाटक की तरह, एक फिल्म की तरह, एक इंटरटेन की तरह, एक इसको देखें और अपने अंदर बनाएं, अपने अंदर बैठाएं और इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे से बने। मुझे दुख है मेरी उस बेटी पे, मुझे दुख है मेरी उस बहन पे, मुझे दुख है हर उस नारी के साथ जो जिसके साथ में ऐसा घिनौना काम किया जाता है। मैं उसके खिलाफ उठूंगा, आने वाले वक्त में मैं उसके ऊपर बहुत बड़ा वर्क करूंगा। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का विश्वास चाहिए, आप लोगों की हिम्मत चाहिए, फैला दें इस वीडियो को। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भाई अभी यहाँ पर आकर के बने हैं, इन सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत। बड़ी मासूमी, बड़ी मायूसी से, बड़े दुखते दर्द से, बड़े दुखते दिल से, बड़ी ही मायूसी से मैं आप लोगों के सामने से जा रहा हूं और विनती करके जा रहा हूं, बड़े दुख के साथ में ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उन सभी घटनाओं के खिलाफ एक्शन लें, उन सभी घटनाओं के खिलाफ रोड पर एकत्रित हो जाएं, जमा हो जाएं, ताकि ऐसे घिनौने लोग ऐसा काम ना कर पाएं। शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।